आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से, जिसमें आज हम करेंगे एक ऐसे मुद्दे की पड़ताल जिसको लेकर देश भर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन दिनों ऐसे कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है। लोगों के शरीर में सिक्के, बर्तन, लोहे की धातुओं से बने हुए कई तरह के सामान चुंबक की तरह चिपक रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों के शरीर में मैग्नेटिक पावर यानी कि चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है। इस दावे के बाद हर कोई ऐसा प्रयोग कर रहा है और वीडियो बनाकर मैग्नेट मैन बनने का दावा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर दनादन पोस्ट किए जा रहे हैं। इन वीडियोस को देखकर विशेषज्ञ भी हैरान हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, क्या ये अफवाह है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है। आज जनतंत्र टीवी इसी की करेगा पड़ताल, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखते हैं कि ऐसा दावा किया क्यों जा रहा है। देखिए, क्या वैक्सीनेशन के बाद पैदा होती है चुंबकीय शक्ति? क्या शरीर में चिपकने लगते हैं सिक्के या धातु? क्या वैक्सीन के बाद इंसान बन जाता है मैग्नेट मैन? वायरल दावों में कितनी सच्चाई? शरीर में चिपकते सिक्के, प्लेट और चम्मच, ऐसे कई वीडियो इन दिनों सामने आ रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद इंसान के शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है, इसीलिए वैक्सीनेशन के बाद हर कोई ये प्रयोग इन दिनों कर रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा कई राज्यों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद वे मैग्नेट मैन बन गए हैं। जिनके शरीर में सिक्के, चाकू, बर्तन जैसी चीजें चिपकने लगी हैं। इन दावों के बाद हर कोई हैरान है। महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले अरविंद सोनार ने यह दावा करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उनके शरीर पर चम्मच, स्टील और लोहे के बर्तन और सिक्के बड़ी आसानी से चिपक रहे हैं। यही मामला राजस्थान के कोटा से सामने आया है। राजस्थान के कोटा में रहने वाले सज्जन सिंह ने भी ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने अपने शरीर पर सिक्के, कैंची, सुई जैसी चीजें चिपकाकर यह बताया कि उनके अंदर ये चुंबकीय शक्ति वैक्सीन लगाने के बाद पैदा हुई है। ऐसे ही कई और वीडियो सोशल मीडिया पर दे दनादन पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें लोग वैक्सीनेशन के बाद ये प्रयोग कर रहे हैं और उनके अंदर चुंबकीय शक्ति पैदा हुई है। हालांकि वैज्ञानिकों का इन दावों पर अलग अलग मत है। कई वैज्ञानिकों ने चुंबकीय शक्ति वाले दावों से इनकार कर दिया है, तो कई डॉक्टर्स ने पसीने के कारण शरीर में सिक्के चिपकने की बात मानी है। वहीं कई डॉक्टर्स का कहना है कि शरीर में पहले से ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कई चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। अगर ये लोग वैक्सीन लगवाने से पहले ये प्रयोग करते तो शायद उनके शरीर में सिक्के, चम्मच और धातु चिपक जाती। ऐसे में इन दावों में कितनी सच्चाई है, सच्चाई है भी या नहीं, जनतंत्र टीवी इसकी पड़ताल करने में जुटा है। और आज अपनी इस खास पेशकश के जरिए हम इन्हीं तमाम दावों की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ बकायदा दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गौरव चौहान जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर शीतल वर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक है KGMU में, वो भी जुड़ चुकी है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गौरव चौहान आपके साथ करना चाहूंगी। हमने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से ये दावे सामने आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद, दोनों डोजेज लेने के बाद लोगों के शरीर में चुंबकीय शक्तियां पैदा हो रही है। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, क्या आपको इसके पीछे मामला नजर आता है? नमस्कार, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऐसे दावे किए जा रहे हैं, सिर्फ भारत से नहीं, बाहर से भी ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कुछ बहाल किया गया है, बट मैं कहना चाहूंगा आपके मन से कि ये सब दावे सरासर मिथ है और ये मोर लाइक अ गिमिक है, ऐसा कुछ नहीं है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन या फिर जो भी हमारी भारतीय वैक्सीन है बिल्कुल सेफ है, इनसे मैग्नेटिज्म का कोई लेना देना नहीं।
ठीक है डॉक्टर शीतल वर्मा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ऐसा कोई एक दो तीन मामले नहीं है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो इस बात का दावा करते हुए कि वो अब मैग्नेट मैन बन गए हैं, उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो चुकी है दोनों डोजेस लेने के बाद। देखिए कई बार बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के जब भी वैक्सीनेशन ड्राइव होते हैं या कोई भी दवाइयां होती हैं, हमने बहुत बार देखा आई का जरिया भी है जिसको वो दिखा के पैसे कमाते हैं। और ये कई लोगों में साइंटिफिकली नहीं बट वो लोगों का कुछ ट्रिक होता है जिसके थ्रू ये करते हैं। जहां तक बात आ रही है कि इसका जो लिंक कर रहे हैं वैक्सीनेशन से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि दीज पीपल आर ट्राइंग टू बेसिकली क्रिएट अ पैनिक। सो आप एक गलत तरीके की चीज को प्रमोट कर रहे हो ताकि जो लोग वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं उनमें एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर, थाली, चम्मच, सीजर जैसी भारी भारी चीजें भी शरीर पर चिपक जाना, साइंस इसके पीछे क्या रीजन दे सकता है? कैसे डॉक्टर गौरव, आवाज मिल पा रही हो? अगर मेरी आप तक पहुंच पा रही हो तो आपको क्या लगता है, इतनी हैवी चीजें शरीर पर चिपक जाना और कैमरा के सामने, यानी कि कैमरा के सामने वो दिखाते हैं कि एक चम्मच है, एक सीजर है, हैवी वाली सीजर, छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी सी थाली है, वो शरीर पर चिपक जा रही है, गिर नहीं रही है, इंसान की बॉडी मूव भी कर रही है तब भी वो नहीं गिर रही है, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जैसे मैडम ने कहा है कि कैसे होती है, लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज के दौर में हमारे पास कोविड से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, हमारी जो वैक्सीन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर और ICMR का है अप्रूवल मिला है जी। उस चीज के अगेंस्ट अभी लोग ऐसी ट्रिक्स करके लोगों को भ्रम फैला के, क्योंकि वीडियो एक ऐसा संसाधन भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक सवाल है, आप जैसे पूछ रहे हैं कि ऐसे भारी भारी वस्तुओं को कैसे किया जा रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जो वैक्सीन जो भी अवेलेबल है कोविड के लिए, उसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, RNA, लिपिड, प्रोटीन, उनके अंदर मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है। तो ये जैसे मैम ने बोला कि पहले भी वो टेस्ट करते हैं लोग, कुछ लोगों की बॉडी में हल्का फुल्का मैग्नेटिज्म रहता है, बट जिस तरीके के वीडियो ये वायरल हो रहे हैं वो मुझको गिमिक और ट्रिक ज्यादा लग रहा है, और ऐसे वीडियो आपको पता है बहुत जल्दी से वायरल होते हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि वीडियोस वायरल करने के मकसद के साथ, इस मंशा के साथ जानबूझकर ये दावे हो रहे हैं, ऐसे क्लिक बेट जैसा लग रहा है, क्योंकि लोग ऐसे वीडियोस को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लोग कोशिश करते हैं किस तरीके को और शेयर करें, उस कारण से ऐसा हो रहा है। उसके अंदर कितने फैक्ट हैं वो जांचें होंगी उनकी, जिस भी पर्सन ने नासिक से पहला वीडियो अपलोड किया है उसमें पता चलेगा, उसकी मेडिकल जांच करवानी चाहिए, बट इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है डॉक्टर शीतल, आपको क्या लग रहा है, अगर मात्र वीडियो वायरल करने की मकसद के साथ, इस मंशा के साथ इस तरह की वीडियोस बनाए जा रहे हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसा देखना पसंद करते हैं, लोग इस तरह की घटनाएं देखना सुनना पसंद करते हैं, आगे वीडियोस को फॉरवर्ड करना पसंद करते हैं, तो ये तो बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि इस समय हमारे देश में वैक्सीनेशन की जिस तरह से जरूरत है, जो आवश्यकता है और जो मुहिम एक तरह से सरकार चला रही है, उससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे तो कहीं वैक्सीन के उनके अंदर भी साइड इफेक्ट्स ना हो जाए, वैक्सीन लेंगे ही नहीं, ऑलरेडी लोग काफी डरे हुए हैं, झिझके हुए हैं, उनमें और डर पैदा होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, आजकल फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग ओवरनाइट पॉपुलर होना चाहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, छोटे छोटे बच्चों तक में ये मानसिकता आज के दिन डेवलप हो चुकी है। कोई भी वैक्सीन में माइक्रोचिप या मैग्नेटिक बेस्ड मटीरियल यूज नहीं किया गया है। व्हाटएवर इज बीइंग यूज्ड इज अ वेरी कन्वेंशनल थिंग व्हिच आर यूज्ड, तो वो किसी भी तरीके से दो, हम सबके अंदर एक मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है बट वो इस लेवल का नहीं होता है कि उससे हमारे को कुछ एक्स्ट्रा, हमारे ऊपर बड़ी बड़ी धातुएं चिपक जाएं। यानी कि आपके हिसाब से ये संभव है ही नहीं, इस तरह की कोई भी चुंबकीय शक्ति शरीर के अंदर पैदा होना। डॉक्टर गौरव, क्या स्वेट के थ्रू कुछ हल्के फुल्के सिक्के चिपकाए जा सकते हैं? क्या हल्के लेवल पर यह संभव नजर आता है? हाँ, थाली और भारी सीजर्स तो स्वेटिंग के थ्रू चिपक नहीं सकती है, लेकिन क्या जो छोटे मोटे सिक्के हैं, छोटी मोटी चम्मचे हैं, वो चिपकाए जा सकती हैं? इस चीज के ऊपर बैठा है, क्योंकि एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट की जा सकती है, जिसके कारण से सामने जो हम वीडियो में देख रहे हैं हमको ऐसा ही प्रतीत होगा कि वो थाली, सिक्के और ये सब चिपकाए जा रहे हैं।
तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, ये एक वीडियो बस एक वायरल करने का ही लग रहा है केस, बट हाँ इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को इसके प्रति थोड़ा सख्त रवैया अपनाना चाहिए। जहां पे एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को वैक्सीन दी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, वहां पे इस तरीके की जो कृत्य है शर्मनाक है। ठीक है, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद किसी भी तरह की कोई भी चुंबकीय शक्ति पैदा होती ही नहीं है, शरीर में सिक्के और धातु चिपकने वाली ये जो तमाम वीडियोस इस समय हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं और जिज्ञासा मन में है जानने की कि क्या ये वाकई में सच है या अफवाह है। तो हमारे साथ दो डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गौरव हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शीतल हमारे साथ मौजूद है और दोनों ही डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा संभव नजर ही नहीं आ रहा है। हालांकि डॉक्टर गौरव का कहना है कि फिलहाल ऐसे लोगों की जाँच होनी चाहिए, किन सर्कमस्टेंसेस के तहत वो धातु, वो सिक्के, वो थाली, वो सीजर उनके शरीर पर चिपक रहे हैं, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर गौरव, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल ऑलरेडी है, इस तरह की वीडियोस का सामने आना उनके मन के अंदर भ्रम की स्थिति को और ज्यादा गहरा देंगे और ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमारा देश जिस तरह से जंग लड़ रहा है वो वीकेंड हो सकती है जंग। जी, भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, हमारी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हमें जनता को ये मैसेज फैल से रोकना चाहिए कि इस तरीके के वायरल वीडियोस ना फॉरवर्ड करें ग्रुप में। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, सिर्फ वहीं से जो इन्फॉर्मेशन है वहीं से ले, ना कि व्हाट्सएप यूट्यूब इन माध्यम से ले। तो भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है वैक्सीन से रिलेटेड, उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी हुई है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, किनको लेनी चाहिए किनको नहीं लेनी चाहिए, किस उम्र के व्यक्ति या किस बीमारी के व्यक्ति को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हाल में रिसेंटली इमरजेंसी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अलाउ किया है, जो स्टूडेंट्स या फिर ओलंपिक गेम्स के लिए बाहर जा रहे हैं, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट से अवेलेबल है और ICMR और वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन हमको लेनी चाहिए, ना कि ये वायरल और इन वीडियोस से। डॉक्टर शीतल, हालांकि ये बात माननी चाहिए आज की तारीख में कि सोशल मीडिया एक अभिन्न अंग बन चुका है हमारी जिंदगी में, लेकिन जितने फायदे सोशल मीडिया के हैं उससे कहीं गुना ज्यादा तो उसके नुकसान नजर आ रहे हैं। और व्हाट्सएप की फेक यूनिवर्सिटी से जो तमाम वीडियोस, जो तमाम फेक मैसेजेस निकलते हैं वो इतनी तेजी के साथ फॉरवर्ड होते हैं, इतनी तेजी के साथ वायरल होते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर किन किन लोगों तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में लोगों को खुद ये बात समझनी होगी, खुद इस बात के बारे में गंभीरता से सोचना होगा कि कई दफा इस तरह के फेक वीडियोज, फेक न्यूज उनके लिए जानलेवा तक साबित हो सकती है, अगर वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे इस जड़ की वजह से कि कहीं उन्हें भी इस तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए तो उनकी जान पर बन सकती है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, ये बहुत ही गंभीर विषय है एक्चुअली। जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे अभी तो ये प्रोपगेट कर रहा है कि आपके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जा रही है, तो इसी तरीके से बहुत सारी नई नई चीजें लोग अपने को रातों रात चमकने के लिए ऐसे होक्स क्रिएट कर देते हैं एंड सोशल मीडिया पे उसको सर्कुलेट कर देते हैं। नाउ द टाइम हैज कम जब इस तरीके के लोगों को बिल्कुल उनको पुलिस द्वारा उनका बिल्कुल आपको उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इस तरीके के हमारे सोशल मीडिया में जो भी ग्रुप्स हैं, जो एडमिन है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वेदर वॉट एवर दे आर फॉरवर्डिंग हैज इट बीन वेरीफाइड और नॉट। डॉक्टर गौरव, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। हालांकि ये बात आपने कह दी है कि पूरी तरह से अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन लोग इस तरह की अफवाहों से बचे कैसे, जरा एक बार दर्शकों को समझा दीजिए। ठीक है, वैक्सीनेशन को गंभीरता से लेना होगा, इस तरह की अफवाहों से खुद को, लोगों को बचा कर रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीतल आपका भी, डॉक्टर गौरव आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि ये जो तमाम दावे, ये जो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया में इस समय तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं वो सरासर गलत है, वो सरासर फेक है, मात्र अफवाह है। और उन अफवाहों के चक्कर में आकर आप वैक्सीन ना लगवाने का फैसला बिल्कुल मत कर लीजिएगा, वरना ये आपकी जान पर बन सकती है। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही।